हे गाइस, स्वागत है आप सबका मिस्टर हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत ही जरूरी होता है, बट आजकल गलत खान पान की वजह से हम डाइट के माध्यम से विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम मल्टी विटामिन के सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, विकार्डेक्सामिन वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द चीपेस्ट मल्टी विटामिन सप्लीमेंट है। इंडिया में मैक्सिमम लोग विकार्डेक्सामिन कैप्सूल का प्रयोग करते हैं। विकार्डेक्सामिन वन ऑफ द टॉप सेलिंग मल्टी विटामिन सप्लीमेंट में से एक है। दोस्तों, हमने पहले भी एक वीडियो में विकार्डेक्सामिन कैप्सूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर ले। इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा विकार्डेक्सामिन कैप्सूल आपको कब और कैसे इस्तेमाल करना है, दिन में कितना कैप्सूल कितने बार लेना है, खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद में लेना है। ऐसा ही कुछ सवालों का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो पर दूंगा। तो दोस्तों, आपके मन में भी अगर ऐसा ही सवाल आते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप अगर इस चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और दोस्तों, आपको अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, विकार्डेक्सामिन कैप्सूल में कई सारे विटामिन और मिनरल्स मौजूद होता है जो कि आपकी स्किन, हेयर, आई हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है जिससे बॉडी अच्छे से काम कर पाता है। दोस्तों, आइए पहले जान लेते हैं विकार्डेक्सामिन कैप्सूल का सेवन कब करें। विकार्डेक्सामिन कैप्सूल लेने का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दिन भर के कामकाज शुरू करते हैं, डेली एक्टिविटी में लगे रहते हैं। इस दौरान हमारी बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी, जिससे हम दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक फील करें और फोकस्ड के साथ अच्छे से काम कर पाए। और दोस्तों, रात को हम सोते हैं, बॉडी रेस्ट लेता है, इस दौरान बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होता है, इसीलिए आप विकार्डेक्सामिन कैप्सूल का प्रयोग सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ही करें। दोस्तों, काफी लोग हमें ये भी पूछते हैं कि विकार्डेक्सामिन के कितने कैप्सूल हमें दिन में लेना चाहिए। इसका सीधा सीधा जवाब है कि आप अगर नॉर्मल है और नॉर्मल डाइट फॉलो करते हैं तो एक कैप्सूल आपके लिए काफी है। एक दिन में आप एक कैप्सूल से ज्यादा सेवन ना करें। अब हम बात कर लेते हैं विकार्डेक्सामिन कैप्सूल को दूध या पानी के साथ सेवन करें। विकार्डेक्सामिन कैप्सूल का सेवन नॉर्मल पानी के साथ कर सकते हैं। दूध के साथ विकार्डेक्सामिन कैप्सूल लेने से ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों विकार्डेक्सामिन कैप्सूल में कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स मौजूद होता है जो कि दूध के साथ लेने से बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है और इसका बेनिफिट्स पूरा नहीं मिल पाता है और डाइजेशन के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके आप विकार्डेक्सामिन कैप्सूल को दूध के साथ ना लें, नॉर्मल पानी के साथ ही विकार्डेक्सामिन कैप्सूल का सेवन करें। दोस्तों, आपके मन में अगर ये भी डाउट है कि विकार्डेक्सामिन कैप्सूल का सेवन खाना खाने से पहले करें या खाना खाने के बाद में करें, तो मैं आपको बता दूं कि विकार्डेक्सामिन कैप्सूल का सेवन आपको खाना खाने के 20 या 30 मिनट बाद करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको अगर लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी कर दे और ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज के ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हे गाइस।